essential for a person's health and well-being. एक अच्छी नींद हमारी बॉडी को एनर्जी से भर देती है और हमारे पूरे दिन को अच्छा बना देती है. स्टडीज के अकॉर्डिंग 7 to 8 hours की स्लीप हमें हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है. यदि हम स्लीप के एडवांटेजेस की बात करें तो स्लीप से हमें बेटर प्रोडक्टिविटी और बेटर कंसंट्रेशन मिलता है. नंबर 2, वी गेट लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. नंबर 3, इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट डिप्रेशन. एंड नंबर 4, इट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग. इन सभी एडवांटेजेस के अलावा कई सारे और भी एडवांटेजेस हैं जो कि हमें एक अच्छी स्लीप से मिलते हैं. एक अच्छी नींद हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानते हुए भी आज बहुत सारे लोग स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर स्लीप डिसऑर्डर्स. तो दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण हमारे स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस आते हैं. और यदि हम इसे और सिंपल वे में समझें तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है. हम 7 to 8 hours की कॉन्स्टेंट स्लीप नहीं ले पाते और जिसके कारण पूरे दिन हमें आलस आता है और सैड फील होता है. स्लीप डिसऑर्डर आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है. यदि हम टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर बहुत तरह के होते हैं, जैसे इंसोम्निया, जो कि आज की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है. इंसोम्निया में आपको नींद नहीं आती है. इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं. एक है नींद ठीक से नहीं आना, दूसरा है नींद आ जाती है बट टूटती बहुत है, और तीसरा है सुबह जल्दी नींद खुल जाना. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आज मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में फेस करते हैं. नंबर 2, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सोते वक्त सांस रुक जाती है. सुबह उठने के बाद हमें फ्रेश फील नहीं होता और रात में बार बार हमारी नींद डिस्टर्ब होती है. कई सारे लोग 8 hours की स्लीप भी लेते हैं और उससे ज्यादा टाइम के लिए भी सोते हैं, बट फिर भी उनमें एनर्जी नहीं रहती और दिन भर उन्हें आलस जैसा फील होता है. तो गाइज, आज हम इसी चीज का सोल्यूशन आज इस वीडियो में देखेंगे. मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो कि आपको प्रॉपरली जल्दी सोने में हेल्प करेंगे और सुबह उठने के बाद आपको एनर्जेटिक भी फील होगा, ताकि दिन भर आप पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपना काम कर सकें. टिप नंबर 1, गो टू बेड एट राइट टाइम. हम में से ज्यादातर लोग राइट टाइम पर सोने नहीं जाते हैं. कई सारे लोगों को देर रात तक काम करना अच्छा लगता है, बट देर रात तक काम करने से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, एक अच्छी नींद हमें नहीं मिल पाती. रिसर्च बताती है कि सबसे फायदेमंद हार्मोन्स जो कि आपकी बॉडी से निकलते हैं वो निकलते हैं 10 से 2 बजे के बीच में. ऑल्सो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा ब्रेन रिकवरी भी ज्यादा करता है, जो कि हमारे स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. यदि इस पर्टिकुलर टाइम आपको नींद ना मिले तो सुबह उठने के बाद आपको थकान महसूस होगी, 8 घंटे सोने के बाद भी. Therefore, go to bed early. Tip number 2, understand that sleep is necessary for our body. हमारे लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्लीप है, उसे हम अपनी लाइफ की नेसेसिटी नहीं मानते हैं. हम अपनी नींद को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं. हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं, इसलिए आपको अपनी नींद को प्रायोरिटी देना चाहिए, अपनी नींद की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए. इसलिए दोस्तों, अपनी स्लीप की वैल्यू को समझो. टिप नंबर 3, टेक सनलाइट. विटामिन डी देने के साथ ही साथ सनलाइट हमें अच्छी नींद लेने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है. यदि आप सनलाइट लेते हैं तो ये चीज काफी इम्पैक्ट करती है आपकी स्लीप साइकिल पे. सनलाइट लेने से हमारी बॉडी में डे टाइम हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये सभी हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए एक इंटरनल क्लॉक की तरह बिहेव करते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमें कब सोना चाहिए और कब नहीं. यदि आप डेली 30 मिनट्स की सनलाइट लेते हो तो ये चीज बहुत बेनिफिट देती है आपकी स्लीप साइकिल को प्रॉपर रखने में और प्रॉपर हार्मोन्स निकालने में. आज सभी लोगों के साथ यही हो रहा है कि उनको प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही. देयरफॉर 30 मिनट्स की डायरेक्ट सनलाइट लीजिए. टिप नंबर 4, क्रिएट डार्क एनवायरनमेंट. अंधेरा सोने के लिए बेस्ट होता है. डार्क एनवायरनमेंट में हमें ज्यादा अच्छे से नींद आती है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके डार्क एनवायरनमेंट क्रिएट करो. बहुत सारे लोगों को हल्की लाइट की जरूरत होती है, तो इस सिचुएशन में उन्हें एक रेड बल्ब यूज करना चाहिए, क्योंकि रेड लाइट सबसे कम इफेक्ट देती है हमारी स्लीप साइकिल पे. बट जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतने ही ज्यादा आपको अच्छी नींद आएगी. सो देयरफॉर क्रिएट डार्क एनवायरनमेंट. टिप नंबर 5, एक्सरसाइज. दोस्तों, मैंने अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में
एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में थकान होती है और जिस कारण हमें अच्छी नींद आती है। आज मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सरसाइज को अपनी डेली हैबिट नहीं बनाते हैं और जिस कारण हमारी बॉडी थकती नहीं है और हमें अच्छी नींद नहीं आती। सिमिलरली आप नोटिस करोगे कि मजदूर लोग और ऐसे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उन्हें नींद की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, बल्कि ऐसे लोग जो बैठे बैठे काम करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसलिए एक्सरसाइज करो और अपनी बॉडी को फिट रखो। टिप नंबर 6, रिलैक्स योर माइंड। जब हम सोने जाते हैं तब बहुत सारे थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं। हम अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, बट इस समय हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। हमें एक पीसफुल माइंड के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी नींद पर फोकस करना चाहिए। अपने माइंड को रिलैक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी ब्रेथ पर फोकस करना। सोते वक्त यदि हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन शांत हो जाएगा और हमें अच्छी नींद आएगी। टिप नंबर 7, अवॉइड यूजिंग योर मोबाइल फोन व्हेन यू गो टू स्लीप। सोने से पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप का कम यूज करना नंबर 1 चीज हो सकती है आपकी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए। इस चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन ये है दोस्तों कि सारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स ब्लू लाइट एमिट करती है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज की हैबिट हमारी बॉडी को नहीं होती और जिस कारण हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। देयरफॉर अवॉइड यूजिंग योर मोबाइल फोन एंड लैपटॉप व्हेन यू गो टू स्लीप। टिप नंबर 8, डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफी। शाम या फिर रात के समय टी या फिर कॉफी कंज्यूम करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि आप शाम को या फिर रात को टी या फिर कॉफी कंज्यूम करते हो तो इससे आपकी स्लीप अफेक्ट होती है। टी और कॉफी में कैफीन होता है। आज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कॉफी पीने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि कॉफी एडिनोसिन नाम के कंपाउंड को प्रोड्यूस होने से स्टॉप कर देती है। नाउ व्हाट इज एडिनोसिन कंपाउंड? तो दोस्तों एडिनोसिन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो लोगों को फील कराता है कि वो थक गए हैं और उन्हें नींद की जरूरत है, बट कैफीन एडिनोसिन को ब्लॉक कर देता है और जिस कारण हमें थकान फील नहीं होती और हमें नींद नहीं आती है। सो देयरफॉर डोंट ड्रिंक टी और कॉफी एट इवनिंग और एट नाइट। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करी जिनका यूज करके आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे। प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरएमएस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।